हाय फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर है शेरू क्लासिक्स 2016 डे 3 और हमारे साथ में है मिस्टर सागर जाधव. सागर जाधव इज नॉट अननोन, वी आर फैन ऑफ हिम. इज बीन द सिल्वर मेडलिस्ट एट वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड इज गोल्ड मेडलिस्ट एट मिस्टर इंडिया ऑल्सो. तो आज हम उनसे कुछ बातें करते हैं कि उनको कैसे लग रहा है. सागर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए. थैंक यू सो मच. आपको शेरू क्लासिक में कैसा लग रहा है इस इवेंट में? शेरू क्लासिक में आके एक नया एक्सपीरियंस भी मिल गया, बहुत से फैन फॉलोइंग भी आ गए, फ्रेंड्स भी मिल गए और बहुत कुछ अच्छा भी देखने के लिए मिला. आपकी जर्नी कैसी रही अब तक? आपने कब शुरू किया अपना बॉडी बिल्डिंग करियर और आपके क्या क्या अचीवमेंट है? 2007 में एक्चुअली मैं स्टार्ट कर दिया था. तो वहाँ से एक्चुअली मैं अहमदनगर से प्रॉपर करता हूँ, एक छोटे हमारे ज़िले से जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का इतना क्रेज़ नहीं है. 2009 में मैं ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हुआ फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी. इसके बाद 2010 में जूनियर महाराष्ट्र श्री, 2011 में जूनियर महाराष्ट्र श्री, जूनियर मिस्टर इंडिया वन टाइम, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट. लास्ट ईयर नवंबर एंडिंग 2015 वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट एंड दिस ईयर मार्च 2016 मिस्टर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट. सागर, आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है वर्कआउट सुबह से लेकर शाम तक, आप क्या क्या करते हैं? टिपिकल डे मॉर्निंग में 6 AM से स्टार्ट हो जाता है. मॉर्निंग कब होता है और इवनिंग कब होता है ये समझ में नहीं आता, इतना शेड्यूल हमारा पैक होता है. दिन में 4 घंटा एक्सरसाइज करना, उसके बाद इवनिंग में 4 घंटा एक्सरसाइज करना, हर घंटे में डाइट लेना, प्रोटीन इंटेक करना, रेस्ट लेना, इसी से इतना हार्ड हो जाता है कि समझ में नहीं आता हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है और कब से ख़त्म होता है. तो आपका वर्कआउट प्लान क्या रहता है टिपिकली? वर्कआउट प्लान होता है मॉर्निंग में तो मैं वर्कआउट करता हूँ, आफ्टरनून में मैं कार्डियो करता हूँ, इवनिंग में फिर से मैं वर्कआउट करता हूँ, वन डे वन मसल करता हूँ. अभी आपका नेक्स्ट इवेंट कौन सा आ रहा है आगे? नेक्स्ट इवेंट आ रहा है अभी नवंबर एंडिंग दिस ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2016 प्लेस इज पटाया. तो आपकी उसकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका प्लान वर्कआउट या डाइट कैसे चेंज होता है कंपटीशन के लिए? कंपटीशन के लिए अभी डाइट चेंज, कार्ब लोडिंग जो चलता है अभी, लास्ट का एक मंथ में कार्ब लोडिंग हमारा बंद हो जाएगा, एक मंथ हो रहा है तो हो जाएगा, तब हमें बॉडी को हमारे मेंटेन करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा. इसके बाद वेट हमारा कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ता है. सो सागर, बहुत सारे लोग आपसे बनना चाहते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, तो उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने एम पे जो फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेशन करिए, आपको सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलेगा. और आप हमारी वेबसाइट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इंडियन बॉडी बिल्डिंग जो वेबसाइट है? आप जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो प्रमोट कर रहे हैं, आज तक ऐसा वेबसाइट बना नहीं जो इंडियन बॉडी बिल्डर के लिए हो, ये आपने किया है. और यहाँ से बॉडी बिल्डर को एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा ना यार. और बॉडी बिल्डर हमारे जो इंडिया में जो फेमस है वो पता नहीं है किसी को, ये आपके वेबसाइट से अभी पता होने लग गए लोगों को, इतना मतलब ये बेस्ट काम कर रहे हैं आप लोग. तो सागर, बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपसे नॉलेज चाहते हैं, तो आप वो आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? फेसबुक पर मेरा पर्सनल पेज है, चाहे तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, वी हैड अ ग्रेट वेरी ग्रेट चैट विद सागर जाधव, ग्रेट इंडियन बॉडी बिल्डर, रियली डाउन टू अर्थ. थैंक यू सागर सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच. जूनियर महाराष्ट्र श्री, जूनियर मिस्टर इंडिया वन टाइम, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट. लास्ट ईयर नवंबर एंडिंग 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट एंड दिस ईयर मार्च 2016 मिस्टर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट. सागर, आपका एक टिपिकल डे कैसा होता है वर्कआउट सुबह से लेकर शाम तक, आप क्या क्या करते हैं? टिपिकल डे मॉर्निंग में 6 AM से स्टार्ट हो जाता है. मॉर्निंग कब होता है और इवनिंग कब होता है ये समझ में नहीं आता, इतना शेड्यूल हमारा पैक होता है. दिन में 4 घंटा एक्सरसाइज करना, उसके बाद इवनिंग में 4 घंटा एक्सरसाइज करना, हर घंटे में डाइट लेना, प्रोटीन इंटेक करना. कैसा लग रहा है? सागर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए. थैंक यू सो मच. आपको शेरू क्लासिक में कैसा लग रहा है इस इवेंट में? शेरू क्लासिक में आके एक नया एक्सपीरियंस भी मिल गया, बहुत से फैन फॉलोइंग भी आ गए, फ्रेंड्स भी मिल गए और बहुत कुछ अच्छा भी देखने के लिए मिला.
आपकी जर्नी कैसी रही अब तक? आपने कब शुरू किया अपना बॉडी बिल्डिंग करियर और आपके क्या क्या अचीवमेंट है? 2007 में एक्चुअली मैं स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ से एक्चुअली मैं अहमदनगर से प्रॉपर करता हूँ, एक छोटे हमारे ज़िले से जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का इतना क्रेज़ नहीं है। 2009 में मैं ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हुआ फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। इसके बाद 2010 में जूनियर महाराष्ट्र। हाय फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर है शेरू क्लासिक्स 2016 डे 3 और हमारे साथ में है मिस्टर सागर जाधव। सागर जाधव इज नॉट अननोन, वी आर फैन ऑफ हिम। इज बीन द सिल्वर मेडलिस्ट एट वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड इज गोल्ड मेडलिस्ट एट मिस्टर इंडिया ऑल्सो। तो आज हम उनसे कुछ बातें करते हैं कि लेना इसी से इतना हार्ड हो जाता है कि समझ भी नहीं आता हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है और कब से ख़त्म होता है। तो आपका वर्कआउट प्लान क्या रहता है टिपिकली? वर्कआउट प्लान होता है मॉर्निंग में तो मैं वर्कआउट करता हूँ, आफ्टरनून में मैं कार्डियो करता हूँ, इवनिंग में फिर से मैं वर्कआउट करता हूँ, वन डे वन मसल करता हूँ। अभी आपका नेक्स्ट इवेंट कौन सा आ रहा है आगे? नेक्स्ट इवेंट आ रहा है अभी नवंबर एंडिंग दिस ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2016, प्लेस इज पटाया। तो आपकी उसकी तैयारी कैसे चल रही है और आपका प्लान वर्कआउट या डाइट कैसे चेंज होता है कंपटीशन के लिए? कंपटीशन के लिए अभी डाइट चेंज, कार्ब लोडिंग जो चलता है अभी